इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। मन वचन और काया में सुसंवाद लाना, जो वाइब्रेशन आंख के है उसी लेवल के वाइब्रेशन टंग के, उसी लेवल के वाइब्रेशन, उसी फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन बॉडी के, तीनों के वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए। जब तीनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी तभी उनमें परस्पर में सुसंवाद हो पाएगा। यदि मेरे मन के फ्रीक्वेंसी अलग है, मेरे वचन की फ्रीक्वेंसी अलग है, मेरे काया की फ्रीक्वेंसी अलग है, तीनों में सुसंवाद हो नहीं पाता है। और जब तीनों में सुसंवाद नहीं होता है तो अंदर के अंदर तनाव चलता है। तनाव ऊपर जो आपको तनाव दिखता है वो अंदर के तनाव का परिणाम है, वो रीजन नहीं। आपको लगता है कि उसने गाली दी, वो एक परिस्थिति आ गई, इसलिए तनाव नहीं। तनाव का मूल कारण कहाँ है कि अपने जो फ्रीक्वेंसी मन की, वचन की और काया की, इन तीनों में परस्पर में जब दोस्ती नहीं होती, तीनों एक साथ नहीं चलते हैं, एक अलग टेम्परेचर पर है, दूसरा अलग टेम्परेचर पर है, तीसरा अलग टेम्परेचर पर है, तब जाकर के किसी भी परिस्थिति में अपने को तनाव आता है। और ये तीनों एक लेवल पर आ गए तो तनाव को जगह नहीं रहती, टेंशन को जगह नहीं रहती। और टेंशन नहीं रहा तो फियर नहीं, भय नहीं है, और भय नहीं है तो आप आराम से किसी भी आत्म साधना में सहजता से जुड़े सकते हैं। क्यों भय नहीं लगता काय स्वर्ग में, कैसे भय मुक्त हो जाते हैं? सुदर्शन को अर्जुन मणि का भय नहीं लगा है, नेचुरल है कि सामने कोई मारने के लिए खड़ा हो और भय नहीं लगे, भागने का प्रयास नहीं करे, ये असंभव सा लगता है, लेकिन भय नहीं लगा उनको। और भय लगता तो अगली प्रक्रिया संपन्न ही नहीं हो पाती। भय क्यों नहीं लगता? जिस समय अंदर में पूरा स्ट्रांग हो जाता है, संगठन मजबूत हो जाता है मन वचन काय का, और इसी को आपके अतिचार के पाठों में कहा, मन सुपन यहाने मन दुपन यहाने, वही सुपन यहाने वही दुपन यहाने, काया सुपन यहाने काया दुपन यहाने, दुपन यहाने दुष्परिधान हो गया, मन में कई दुष्टता के वाइब्रेशन शुरू हो गए, वचन में कई दुष्टता के विकल्प शुरू हो गए, काया में कई दुष्टता की जागृति हो गई, तो सामयिक हो न पाएगी, सामयिक बीमार हो जाएगी। और सामयिक बीमार होगी इसका मतलब अपना जीवन बीमार हो जाएगा, अपना सारा सोच बीमार हो जाएगा। अपने को क्या लगता है कि मन में आया ना बुरा विचार उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, आया है चला जाएगा, नहीं। एक बार जब मन में बुरा विचार आता है तो सारी फ्रिक्वेंसी वही चलती रहती है, और वो मन में आया हुआ विचार फिर वचन को कहीं ना कहीं टच करेगा, वचन में आया हुआ कहीं ना कहीं काया को टच करेगा, काया में कहीं दुख शुरू हो गया, काया में कहीं पीड़ा शुरू हो गई। अपने काया सही तरीके से रखे और काय स्वर्ग के आप कैसे, जैसे अपने आप हो जाएगा वो, जैसे आप काय स्वर्ग की मुद्रा में शरीर के वाइब्रेशन देखना शुरू करेंगे तो अपने आप बॉडी बैलेंस हो जाती है, और बॉडी बैलेंस हो गई तो फिर पांव नीचे ऊपर करना बंद हो गया। पांव नीचे ऊपर क्यों करते हैं अपन? कि वहां पेन होता है, वह दर्द होता है, वह अनेजी फील होता है, और अनेजी फील होगा तो पूरा बात मन तक जाएगी, और बॉडी में अनेजीनेस नहीं रहा, बॉडी कंफर्ट जोन में रह गई। बॉडी कंफर्ट जोन में रह गई इसका मतलब बाहर से कंफर्ट नहीं, हर हाल में बॉडी कंफर्ट में पहुंच गई। कैसी परिस्थिति रह गई, कैसी परिस्थिति रह गई तो बॉडी उसमें ढल गई, पानी जैसे हो गई। जैसे पानी हर पॉट में जाकर के सकर में ढल जाता है वैसे ढल गई, तो बैलेंस हो गए। एक पत्थर को बैलेंस करना हो, पानी को बैलेंस करना हो, पत्थर को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, और पानी को आप कहीं भी डाल दो पानी कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ऊपर समतल पर आ जाएगा, वो गड्ढे को भर लेगा, सारी बातों को भर लेगा। वैसी ही सारी जब आपकी फ्रीक्वेंसी चलेगी तो बॉडी बिल्कुल बैलेंस में आ जाएगी, और जब बॉडी बैलेंस में आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि बॉडी के जो आपके 12 दोष गए, काय के जो 12 दोष गए वो कैसे निकल जाते हैं।
कुआसन, चलासन, विमासन, आयस, ये सारे क्या है? ये सारे आपके शरीर के वाइब्रेशन को, गलत वाइब्रेशन अंदर में चल रहे हैं। प्रवाह कहते भी रुका हुआ है, प्रवाह कहते भी अवरुद्ध हुआ है, ऊर्जा बराबर फ्लो नहीं कर रही है। ऊर्जा यदि बराबर फ्लो करे तो कुआसन हो सकता है क्या? विमासन हो सकता है क्या? चलासन हो सकता है क्या? ये कब होता है कि जिस समय अंदर का ऊर्जा का प्रवाह बराबर नहीं चलता है। अब ऊपर की टेक्निक बता दूं मैं आपको, कैसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, और कितना ही बता देता हूं, सिखाता हूं, डिस्कवरी से मैं सिखाता हूं किस तरीके से बैठना है, लेकिन फिर भी कहते मां साहब नहीं बैठ पाते आप जैसा, इतना लंबा समय तक नहीं होता है। क्योंकि उसका मूल कारण कहां पर है कि अंदर का जो ऊर्जा का प्रवाह है, शरीर का जो ऊर्जा का प्रवाह है, वो कहीं पर अवरुद्ध हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी रुकेगा, नस में तनाव भी आएगा, मसल भी डैमेज हो जाएंगे। और यदि अंदर का ऊर्जा का प्रवाह बराबर चलता रहा, करंट बराबर चलता रहा, फ्लो बराबर बना रहा, तो कहीं पर भी स्किन में कि त्वचा में कि नस में कि मसल्स में कहीं पर भी अवरोध आने का कोई कारण नहीं। और अवरोध नहीं आया, कहीं अनेजी फील नहीं हुआ, तो आदमी क्यों पांव हिलाएगा? उसको पांव हिलाने की कोई इच्छा थोड़ी है। लेकिन अंदर में अनेजी फील होने लग जाए और उसको पांव मत हिला तो क्या स्थिति बनेगी? वो पांव नहीं हिलाएगा, अंडर प्रेशर, अंडर टेंशन, लेकिन अंदर में फीलिंग कौन सी चलती रहेगी उसकी? वही दुष्परिधान हो जाएगा, कंबर दुख रही है और उन्होंने किया बिल्कुल कंबर मत हिलाए, तो वहां तो सारा प्रवाह रुका हुआ है और बाहर से आप रोकने के लिए कह रहे हैं तो वहां दुष्परिधान शुरू हो जाएगा। और अंदर का प्रवाह ऐसा चलना चाहिए कि आसन हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। और ये उसकी प्रक्रिया की सुहुमिम अंग संचालन की अवरोध कहां आने, बाहर आया हुआ अवरोध का कॉज कहां पर रहेगा, रूट कॉज कहां पर रहेगा? पेड़ बीमार पड़ गया, पत्ता सड़ने लग गया, फूल सड़ने लग गया, फल सड़ने लग गया, पेड़ सूखने लग गया, तो पेड़ को ऊपर पानी देंगे नीचे पानी देंगे? तो अपने जो शरीर में प्रॉब्लम आते हैं, चाहे ब्लड प्रेशर ले लो, सर्दी ले लो, जुकाम ले लो, कहीं भी ले, कुछ भी प्रॉब्लम ले लो, एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, कौन सी भी बीमारी कब आएगी? जब अंदर का प्रवाह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, अवरुद्ध होगा, रुकेगा, वहीं से शरीर में प्रॉब्लम शुरू होगा। यदि अंदर का ऊर्जा का प्रवाह बराबर चलता रहा है तो शरीर में कोई प्रॉब्लम होने का कारण ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि काय सर्ग करने के माध्यम से सारे दुखों का समापन होता है, सौ दुख खेट आए कि सारे दुख समापन, क्योंकि अंदर का प्रवाह वहां पर चले गए ना, अपन मूल रूट कॉज पर चले गए और वहां पर पानी दे रहे हैं, उसको संभाल रहे कि जहां से सारी समस्याएं शुरू होती है। जितने भी बाकी की ट्रीटमेंट हम लोग करते, दवा लेकर के करो कि कुछ भी करके करो, कहां करते हैं? सुपरफेशियल लेवल पर, ऊपर पर लेवल पर करते हैं। हम केवल सिम्टम्स को देखते हैं, इसको बुखार आया है, इसको गुस्सा आया है, ये गलत शब्द बोल रहा है, ये गलत सोच रहा है। अब गलत क्यों सोच रहा है, वो रो क्यों रहा है? गलत सोचना मतलब क्या है? रोना है। गुस्सा करना मतलब क्या? रोना है। क्यों रो रहा है? अंदर कहीं ना कहीं पीड़ा की अनुभूति हो रही होगी, और अंदर की पीड़ा की अनुभूति को यदि समाप्त करना है तो ऊपर से तुम कितनी मलम पट्टी करो, और टेम्पररी दब जाता है, टेम्पररी दब जाता है, लेकिन अंदर से फ्लो बना रहता है, और वैसा ही फ्लो बना रहता है, कहीं ना कहीं से वो फिर निकल जाता है। तो ये जो प्रक्रिया आपको दी, इसके बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसे मास्टर बन जाओ कि कहीं भी बैठे ये फ्लो आपका पकड़ में आना चाहिए, और उस फ्लो में आप पहुंचे, इसी को बायो रिदम टेक्निक कहते हैं थेरेपी के क्षेत्र में। जापान ने बायो रिदम की टेक्निक खोजी कि अपना जो स्वस्थता का रिदम है, और प्रयोग क्या करते हैं लोग कि उसकी स्वस्थता की, उसकी जो रिदम है, पल्स की, हार्ट की, पूरी बॉडी की जो रिदम है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी वो अस्वस्थ होता है तो रिकॉर्ड उसको सुनाते हैं। जैसे जैसे वो रिकॉर्ड सुनते चले जाता है, वापस अपने मूल रिदम में पहुंच जाता है। जैसे मूल रिदम में पहुंच गया तो बॉडी सारी
मैनेज हो गई। तो नेचुरल जो रिदम है अपना, हर व्यक्ति का रिदम कैसा रहेगा, डिफरेंस रहेगा। मेरा रिदम आपका नहीं हो सकता, आपका रिदम मेरा नहीं हो सकता। तो वो रिदम में पहुंचना, उस रिदम को मैनेज करना, उस रिदम को मेंटेन करना, यह है सामयिक। और अंदर का रिदम यदि मैनेज हो गया, चाहे वचन का हो, चाहे मन का हो, चाहे काया का हो, रिदम बराबर फ्लो चलता रहा है। और रिदम का फ्लो जब तक बना रहता है, तब तक कोई मन में समस्या आती नहीं, कोई काया में समस्या आती नहीं, कोई बोलने में समस्या आती नहीं। लेकिन रिदम ब्रेक हो गया है, आप बोलते हैं ना कि उसका मेरा रिदम मैच नहीं हो रहा है, रिदम मेरा मिल नहीं रहा है, ट्यूनिंग मेरी मिल नहीं रही। अब ट्यूनिंग मिल जाए, मन वचन का है कि ट्यूनिंग मिल जाए, एक दूसरे का टोन मिल जाए, तो संगीत चलेगा। और जब टोन नहीं मिलेगा तो क्या चलेगा, वही बाजे हैं, वही बाजे हैं। हर बाजा अपने तरीके से बोलता है, लेकिन वो बोलते समय क्या करता है, दूसरे वाद्य के साथ उसका तालमेल बना रहता है। वो तालमेल बना नहीं रहे और सारे बजाने वाले मास्टर हो और एक दूसरे का अनुसंधान न रखते बाजे बजाते चले जाए, तो संगीत बनेगा कि शोरगुल बनेगा, वो शोरगुल बनेगा। इन तीनों में एक संगति आनी चाहिए, तीनों में एक रिदम आना चाहिए, तीनों में एक हारमोनी आनी चाहिए। और तीनों में हारमोनी आ गई तो बाकी क्यों कहा गया कि समय की साधना जिसने कर ली, जो पहले दिन का व्याख्यान याद कर लीजिए, पहले दिन जिसे मैं समय की प्रेरणा दे रहा था, उसने मैंने कहा था कि जो मोक्ष में गए, जो मोक्ष में जाएंगे, जो मोक्ष में जा रहे, समय की साधना, समय की साधना से नहीं, कपड़े की साधना से, क्रिया की साधना से नहीं। वो चाहे जिस परंपरा में रहा होगा, वो चाहे जिस देश में रहा होगा, चाहे जिस जाति में रहा होगा, लेकिन जैसे उसके मन वचन काया में समत्व आ गया, रिदम आ गया, उसकी मोक्ष की प्रक्रिया शुरू हो गई। कैसे क्रोध शुरू होता है, कैसे अहंकार शुरू होता है, कैसे माया शुरू होती है, कैसे लोभ शुरू होता है, कैसे राग द्वेष शुरू होता है, कैसे आवेश आते हैं, कैसे साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन आने के लिए पहले क्या बनेगा, टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर कुछ हो गया, वहां का टेम्परेचर कुछ हो गया, टेम्परेचर कम होगा, फिर दाब तैयार होगा, दाब तक प्रेशर तैयार होगा, तो प्रेशर तैयार होने के बाद अगला क्या आएगा, साइक्लोन शुरू हो जाएगा। और समय क्या कर रही है, आपका टेम्परेचर मैनेज कर रही, अंदर का कई दबाव, प्रेशर बन नहीं रहा, और प्रेशर नहीं बना, गुस्सा कर पाएंगे, अहंकार कर पाएंगे, डर पाएंगे। क्यों नहीं पुनिया श्रावक को राजा श्रेणिक आकर के खड़ा होने के बाद, राजा श्रेणिक आया है और उस समय पुनिया श्रावक सामयिक में है, तो राजा श्रेणिक आने के बाद भी पुनिया श्रावक ने राजा का अभिवादन नहीं किया, स्वागत नहीं किया, वेलकम नहीं, कुछ नहीं किया, ना उसको बैठने के लिए आसन की भावना भाई। जब उसकी सामयिक पूरी होती है तब जाकर के वो राजा का स्वागत करता है, वेलकम करता है, अभिवादन करता है। अभी शिष्टाचार है कि राजा आए और उसको रिसीव नहीं करे, टेंशन कितना आएगा, उसको नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसका अंदर का रिदम बना हुआ था। यदि आपका अंदर का रिदम बना हुआ है तो बाहर से कोई आपको दबा नहीं सकता है, और अंदर का रिदम बना हुआ नहीं है तो बाहर से कोई कितना ही सपोर्ट करे आपको, कितना ही सपोर्ट करे, कितना ही सपोर्ट करे, वो सपोर्ट से आप समर्थ बनते नहीं। और अंदर से एक अपना सामर्थ्य हो गया, अपना का रिदम बन गया, तो बाहर से सपोर्ट मिला क्या, नहीं मिला क्या। क्यों भगवान महावीर ने नंदीवर्धन को और इंद्र को मना करी कि मुझे तुम्हारे सहयोग की सेवा की आवश्यकता नहीं है, मैं मेरी साधना मेरे बल पर ही करूंगा। सहयोग को स्वीकार करना चाहिए, सहयोग को इनकार करना चाहिए, अपनी क्या भावना है, स्वीकार करेंगे, और उन्होंने इनकार किया। इसलिए एक शब्द जाता है सारे सामयिक करने वाले को, अर्णक श्रावक सामयिक में असहाय, किसी का सहयोग नहीं। सहयोग की आवश्यकता तभी महसूस होती है जब अपने अंदर का सामयिक का सूत्र कहीं ना कहीं गायब हो जाता है।
अंदर का सहयोग का सूत्र यदि अंदर का रिदम अपना बना रहा तो बाहर से कोई अपने को दिक्कत आती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती। वही सनत चक्रवर्ती है ना, वही सनत चक्रवर्ती है। जहां उसको केवल कुष्ठ रोग की शुरुआत हो गई थी और उस दीक्षा ले ली उसने, और वही सनत चक्रवर्ती है कि पूरा शरीर उसका दुर्गंधी से बांस मार रहा है, बदबू मार रहा है, सड़ा हुआ है, और उसके अंदर सामर्थ्य है, क्षमता है कि अपना कुष्ठ रोग शरीर का ठीक कर सकता है। देवता वैद्य के रूप में आकर के कह रहे हैं कि तेरा कुष्ठ रोग मैं एक पल में ठीक कर देता हूं, वो स्वीकार करता है? क्यों नहीं करता स्वीकार? उस कुष्ठ रोग के शरीर में भी उसका अंदर का प्रवाह का रोग बराबर बना हुआ है, उसको कोई परेशानी नहीं है, उसको कोई असुविधा नहीं है। उसको यदि थोड़ी सी भी असुविधा होती, अनकंफर्ट कहीं पर भी वो होता है, तो निश्चित रूप से वो कहता हाँ भाई कर ले इसके चिकित्सा। क्यों संतों के लिए कहा गया कि उन्होंने चिकित्सा ने किस पल पर, कि जिस समय उनका अंदर का रिदम बना हुआ है तो उनको चिकित्सा की जरूरत ही नहीं, और अंदर का रिदम बना हुआ नहीं है और फिर तुम कहो कि चिकित्सा मत कर, फिर मुश्किल है मामला। और अंदर का रिदम बना हुआ है तो चिकित्सा की जरूरत पड़ती नहीं। ये सारी बात वही पर जाकर के आएगी, और इसलिए बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल धीमे 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 मैं आपके साथ चला हूं। एक एक स्टेप आपको मैंने प्रैक्टिकल कराई है, इसको फ्लो बना के रहिए और एक मॉडल सामयिक पे पहुंच जाइए, ऐसा लगे आपकी सामयिक कर करके, आपकी सामयिक देख करके सामने वाले को सामयिक करने का मन हो जाए, तब तो सामयिक में मजा है। और आपने सामयिक देख करके दूसरे का सामयिक से भागने का मन हो जाए तो मजा नहीं। अपने समय करते समय अपने चेहरा, अपने शरीर, अपने स्थिरता, अपने भाव, अपने वाइब्रेशन, इतने सुंदर तम, इतने पवित्र तम, इतने पावरफुल, इतने बिल्कुल रिदम के होने चाहिए कि पास में कोई आकर के बैठे तो लगना चाहिए हाँ समय करने चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।